दमोह शहर उस वक्त पुलिस छावनी बन गया जब पुलिस मुखिया 100 से अधिक जवानों के साथ बसपा विधायक रामबाई सिंह के घर छापेमारी करने पहुंच गए। लेकिन छापेमारी में पुलिस जिसे पकड़ने गई थी वो आरोपी हाथ नहीं आए। दरअसल पुलिस को हटा में हुए कांग्रेसी नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी विधायक रामबाई सिंह के पति और देवर के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल के बेटे की तलाश है। पुलिस को आरोपियों के विधायक के घर में होने की सूचना मिली थी जिस पर पुलिस अधीक्षक ने 100 जवानों के साथ आरोपियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन एक भी आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगा। पुलिस ने घर से कुछ लोगों को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। पुलिस ने चौरसिया हत्याकांड के 7 आरोपियों पर इनाम की राशि 10,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी है। एसपी ने पुलिस बल के साथ विधायक रामबाई सिंह के दमोह स्थित निवास के साथ बासा तारखेड़ा हिनौता गांव समेत कई स्थानों पर छापा मारा। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल के दमोह स्थित निवास पर भी पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। देवेंद्र चौरसिया मामले को लेकर आज हमने जो संभावित इनके छिपने के स्थान थे तो वहाँ पर जैसे रामबाई का जो घर है वहाँ पर जानकारी मिली थी कि कुछ लोग वहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं आरोपियों में से, तो उनके घर में हमने टीम बना के दबिश दी थी। तो उसमें कुछ लोग मिले हैं वहाँ पर बैठे हुए, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनको लेकर आए हैं, उनसे पूछताछ करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने जो दूसरे आरोपी इंद्रपाल पटेल उनके घर पर निवास पर छापा मारा, यहाँ पर भी, हटा पर भी, और बांसा हिनौता में ढाबे पर, इनके खेत में, जहाँ जहाँ मिले हमने करीब 100 लोगों की टीम लेके यहाँ पर छापे मारे हैं, दबिश दी है, और कुछ लोगों को अभिरक्षा में लिया, इनसे पूछताछ की जाएगी। जो भी इसमें जानकारी मिलेगी उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। और इसी मामले में जो 7 आरोपी मुख्य आरोपी हैं उन पर हमने इनाम की राशि 10,000 से बढ़ाकर 25,000 इनाम घोषित करने के लिए प्रस्ताव भेजा था, जो स्वीकार कर लिया गया है। अब सभी आरोपियों पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है, और जो भी प्रकरण में आगे अपडेट होगा आपको बताएंगे। दामोह के हटा में हुए कांग्रेसी नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के मामले में प्रदेश के बहुचर्चित विधायक रामबाई सिंह के पति और देवर के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल का बेटा भी आरोपी है। कई दिनों से इन आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। इधर पुलिस की कार्रवाई पर विधायक ने पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए भोपाल में विधानसभा के सामने अनशन करने की धमकी दी है। बस चले एडिशनल को सिद्धवी तो एक लाइन में खड़े हो बता दी मैं कहां कर भी जानो समोर बित बाल बच्चों के हो जासी लगे एडिशनल एसपी हन देवे और एसपी हने और जोन भी चौरस के बारह हूँ बुला लेसु खड़े भाई जब मारे से संतुष्टि मिल रही तुम घर जा रहे सो ते लगे और का कह सकत भाई घर चौरस गया के ते लड़को वाला हूँ लुआ के जा रहे के लिए लगे संतुष्टि पुलिस बारह हूँ मिलो चज जी भाई उन्हो अगर हो तो हम रहो लगे बीच चौरा तो हम लिख के दे रहे क्या मोर गालो ने क्या कह ने मारो सब पत्रकारों से सबसे कहने के भज्जक बिल्कुल फोटो लुआवे तो घर दज्जु मार। आपकी सब तरफ से सुनवाई नहीं हो रही, आप मामला का नाम क्या रहेगा? हम अंगलों का दम ये कही है भैया अगर हमें न्याय हमारे पति को और देवर जी को न्याय नहीं मिल रहा और इसी तरीके की पुलिस हमारे घर पर परेशान करत रही तो हम 10 दिन के अंदर आमरण अनशन पर बैठे वो भी भोपाल में विधानसभा के सामने। अब उपाय एक ही रहेगा बाबू जी और कौन उपाय नहीं है। तो अल्टीमेटम दिया क्या आपने? अभी हमने धरी तो दिया था ज्ञापन में। बसपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए देवेंद्र चौरसिया की हत्या के बाद पुलिस पर आरोपियों को गिरफ्तार करने का भारी दबाव है। ऐसे में पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है लेकिन विधायक रामबाई अपने पति और रिश्तेदारों को झूठा केस में फंसाने का आरोप लगाकर अनशन की धमकी दे रही हैं। ऐसे में बसपा के समर्थन से चल रही कमलनाथ सरकार के लिए लोकसभा चुनाव से पहले मुश्किल खड़ी हो सकती है। कमलनाथ सरकार हर ओर से दबाव में है। फिलहाल देखना होगा इस चर्चित हत्याकांड के मामले में पुलिस कब तक नामजद आरोपियों तक पहुँच पाती है। दामू से शांतनु भारत की रिपोर्ट।